मेहरबानो, कृष्ण सुदामा के इतिहास से कुछ रागनी मैं आपकी सेवा में पेश कर रहा हूँ। भगवान तो सदैव ही अपने भक्तों को संकटों और दुविधाओं के भवन से निकालते हैं। भक्तजन चाहे पिता स्वरूप समझकर उनमें श्रद्धा रखते हों, चाहे माता के रूप में, चाहे भाई के रूप में या मित्र के रूप में, तो एक समय का जिक्र है कि ब्राह्मण सुदामा श्री कृष्ण भगवान के बचपन के दोस्त थे, पाठशाला में साथ साथ पढ़ा करते थे, उनके सच्चे भक्त भी थे। दिन गुजरते गए, एक लंबे समय से दोनों मित्र कभी मिले भी नहीं थे। भक्त सुदामा द्राविड़ देश में विदर्भ नगर में टूटे छप्पर के घर में कंगाली के दिन बिता रहे थे। बड़ा परिवार था, चार बच्चे थे। उधर श्री कृष्ण भगवान तीन लोक के स्वामी प्रजापालक द्वारका में राज किया करते थे। सुदामा की दशा दीनहीन व दयनीय थी। प्यारे भाइयों, दरिद्रता व टोटे में इंसान की जीते जी मौत हो जाती है। अच्छे भले आदर्श व सुचरित्र इंसान की कीमत 2 कौड़ी की रह जाती है। इस हालत में दुनिया की कोई खुशी उसको आनंद नहीं देती। संसार में चारों ओर उसे अंधेरा दिखाई देता है। भक्त सुदामा के घर में 2 दिन से भोजन नहीं बनाया गया, बच्चे भूख से बिलख रहे थे। सुदामा जी की इस नाजुक स्थिति का कवि ने क्या वर्णन किया है। दक्षिण दिशा में देश द्राविड़, विदर्भ नाम नगर था। राजा प्रजा पब्लिक रह उड़े पण में सरकार डर था, सरकार डरे था। भक्त सुदामा दिन और रात रहा करता, महादिलदरी टोटे के माँ भारी कष्ट सहा करता। गुरु भाई श्री कृष्ण जी के गुण सब आप लहा करता, परमेश्वर की भक्ति करता भी फंदे भी खाया करता है, फंदे भी खाया करता। बाहर शहर के भक्त सुदामा ओ, बाहर शहर के भक्त सुदामा की कुट्टी छान का घर था। राजा प्रजा पब्लिक रह उड़े पण में सरकार डर था, पण में सरकार डर था। ब्राह्मण सुदामा महाकंगाली और टोटे में गुजारा किया करता था, फिर भी भगवान कृष्ण में भरपूर श्रद्धा थी। अधिक से अधिक समय भजन पूजन में कृष्ण जी की महिमा के गुणगान में बिताता था। अब तो गरीबी की हद हो चुकी थी, भोजन के अभाव में पिछले 2 दिन से उपवास चल रहा था और 3रा दिन कैसे गुजरना है क्या पता था। हाँ,
हाँ सुबह उठ के भक्त सुदामा गंगा नाया करता। गुरु भाई श्री कृष्ण जी की महिमा गाया करेता। दिन का भागती सरा रह जा जब घर आया करता। बासी खुशी रोटी मिल जाते उसने खाया करता, उसने खाया करता। भला दो उपवास बीत गए अनबिन, दो उपवास बीत गए अनबिन। तीजा सूरज शिखर था राजा प्रजा पब्लिक रे उड़े परमेश्वर का डर था, परमेश्वर का डर था। की पत्नी जिसका नाम सुशीला था, वह शील स्वभाव की सुगढ़ धैर्यवान पतिव्रता औरत थी। ऊंच नीच का मान मर्यादा का पूरा बंधन निभाती थी। अब तो वह भी टोटे में बहुत परेशान हो चुकी थी, फिर भी अपने पति की सेवा भाव में, बच्चों के पालन पोषण में कोई कसर नहीं रखती थी। इस तरह से सुशीला पत्नी उसकी बारी दुख भरती थी। पतिव्रता का धर्म जान सरे चरणों में धरती थी। कदे पतिव्रता धर्म बिगड़ जा न्यू मन में डरती थी। रूप पने में सर समझ के टहल किया करती थी, टहल किया करती थी। श्री कृष्ण के चरणा के माँ, श्री कृष्ण के चरणा के माँ। निर्धन ब्राह्मण का सर था राजा प्रजा पब्लिक रे उड़े परमेश्वर का डर था, परमेश्वर का डर था। दक्षिण दिशा में देश द्रविड़ बद्रनगर था राजा प्रजा पब्लिक रे उड़े परमेश्वर का डर था, बुरा हाल देख जंग जोवन लगी सुशीला। राखोर मची के मादानी टोहवन लगी सुशीला। बालक बच्चे भूखे देख जी खोवन लगी सुशीला। लक्ष्मी चंद गुरु के आगे दुख रोवन लगी सुशीला, रोवन लगी सुशीला। मंगे राम अगाड़ी आ गया हो, मंगे राम अगाड़ी आ गया। सुनसा घना फिकर था राजा प्रजा रह उड़े परमेश्वर का डर था।
ब्रह्मा जी अपने स्नान ध्यान पूजा पाठ के उपरांत छप्पर के एक कोने में शांत भाव से बैठ जाया करते थे। महाकंगाली की इस हालत में बड़ी नाजुक स्थिति थी सुदामा जी की। कभी कुछ कहना भी चाहते थे तो शब्दों में इतना जोश नहीं था कि उनकी जबान को तरंगे दे और उनका मुंह खुल जाए। कोई विचार कोई तरकीब उनके दिमाग में टकराती नहीं थी। मन व्यथित दुखी था, किससे कहें क्या कहें कहां जाएं कुछ समझ नहीं आता था। महसूस करते थे कि जैसे उनका मन बुद्धि आत्मा शरीर सब बूढ़े हो चले हों। शरीर की हड्डियां चरमरा गई थी गृहस्थी के पालन पोषण करने के भारी बोझ के नीचे। सुदामा जी की पत्नी सुशीला एक दिन कहने लगी अपने पति से कि पति देव एक बात याद मेरे आ गई, सुनो मेरे भरतार, जो तू मानने तै मेरी मारा हो जा बेड़ा पार। सुदामा जी का ध्यान पलटा मौन टूट गया। कहने लगे मिश्रानी से कि क्या बात याद आ गई तेरे, बोल तू भी बोल। तो सुशीला क्या कहने लगी, कहा करो थे पिया जी से कृष्ण मेरा यार, हो उसके धोरे चला जाइए तेरा उसका प्यार पति जी तेरा उसका प्यार। कहा करो थे पिया जी से कृष्ण मेरा यार, हो उसके दौरे चला जाइए तेरा उसका प्यार पति जी तेरा उसका प्यार। पति देव आपका मित्र श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है, वह गिरते हुए को थाम सकता है। आपत्ति के समय एक वही तो है जो रक्षा करता है और अपने भक्त के बदले में तो अपना सब कुछ अर्पण कर सकता है। और क्या कहने लगे मिश्राणी, हाथ देनिया से मानस ने दुख और सुख वो दिन रात देनिया से, भगता के बदले में वो अपना साथ देनिया से, भीड़ पड़ी में सज्जन मेरे वो साथ देनिया से, भीड़ पड़ी में सज्जन मेरे वो साथ देनिया से, देना चाहवे ते उसके धन के, देना चाहवे ते उसके धन के, भरे रहे भंडार हो उसके धोरे चला जाइए तेरा उसका प्यार पति जी तेरा उसका प्यार। अपने पति सुदामा जी से कि पति जी वो कृष्ण भगवान अंतर्यामी है, उसकी माया परम पार है, किसी को सुख और किसी को दुख,
कभी खुशी और कभी गम वही देता है, वह प्रजापालक है, उसे हर जीव का पूरा पूरा ख्याल है। आप उनके पास जाओ, क्योंकि आपका बचपन का मित्र है तो जरूर आपकी सहायता करेगा। ये कहने लगी। रात अंधेरी दे तू पर छाया, माया किसे ने धन की ढेरी दे, किसे ने दुख दे किसे के ऊपर गाल वो घेरी दे, कण कीड़ी और मन हाथी ने वो शाम सवेरी दे, कण कीड़ी और मन हाथी सबकी खबर लेनिया से वो, सबकी खबर लेनिया से वो, सत्या कृष्ण मुराद हो उसके धोरे चल्या जाइए, तेरा उसका प्यार भतीजी, तेरा उसका प्यार करे ना न्यारा पाटेगा, जो मन सोहे दे देगा मूल नहीं नटेगा, उसके दौरे चल्या जाने पाप सभी काटेगा, उसके दौरे चल्या जाने पाप सभी काटेगा, तेरा मेरा ना पिया जी, तेरा मेरा ना पिया जी, वो सबका ही साहूकार हो उसके दौरे चल्या जाइए, तेरा उसका प्यार पति जी, तेरा उसका प्यार दे वो खुद भगवान से, अपना मेरा तेरा ना उसे सबका ध्यान से, शरण गए की शर्म करेगा वो शक्तिवान से, शरण गए की शर्म करेगा वो शक्तिवान से, लक्ष्मी चंद्र चल्या जाइए, लक्ष्मी चंदु चल्या जाइए, जीव क्यों ना वे सेवार हो उसके धोरे चल्या जाइए, तेरा
पति जी तेरा उसका प्यार अपनी पत्नी सुशीला की बातों को सुदामा जी ने बहुत गौर से सुना और महसूस किया कि जैसे उसके बदन में एक नई लहर सी दौड़ गई हो, उसकी मंद मंद चमकती आंखों में जैसे नया तेज आ गया हो, जैसे कि उसकी इस अंधेरी मन रूपी झोपड़ी में एक नई आशा रूपी सूर्य की किरण मार्ग की व्याधाओं रूपी फूस पत्तियों से छन कर दुखी मन के अंधेरे को चीरती हुई दिखाई दी हो। निराशा की बेहोशी में डूबे सुदामा को अब नई चेतना आई, कहने लगा मिश्राणी से कि मिश्राणी, वैसे तो कृष्ण के पास में जाने में मेरा कोई हर्ज नहीं और मैं वहां जाने के लिए तैयार भी हूं, लेकिन एक बात सोच कि मुझे इस बात का डर है कि मेरे इस फटे हाल में देख कर कभी ऐसा ना हो कि मेरा गुरु भाई मेरा मित्र कृष्ण मुझे ना पिछाने, क्योंकि द्रोणाचार्य के ऊपर भी भीड़ पड़ी थी और उसके मित्र राजा द्रौपदी ने पहचानने से इनकार कर दिया था। संकट में प्यारे मित्र नाती गोती सब किनारा कर जाया करते हैं, यानी कि टोटे में कोई बिरला ही हिमाती होता है। मैं कुछ धन द्रव जाकर के मांग भी लूं और अगर टाल कर दी तो और भी मरना हो जाएगा। और के कहने लगा, कृष्ण धोरे जान मैं कुछ हर्ज नहीं, मेरी नार मने डर नाटन का लगे, मने डर नाटन का लगे। कृष्ण धोरे जान मैं कुछ हर्ज नहीं, मेरी नार मने डर नाटन का लगे, मने डर नाटन का लगे। तेरे कहे ते मिश्राणी मैं चौकस जाऊं, ओ कुछ धन दब मैं जरूर मांग के जाऊं, ओ कद आऊं नहीं पिछाण मैं, मेरा जाना हो बेकार मने डर नाटन का लगे, मने डर नाटन का लगे। कृष्ण धोरे जान मैं कुछ हरण नहीं, मेरी नार मने डर नाटन का लगे, मने डर नाटन का लगे। खान में के नाटक रे सौकार, मने डरे नाटन का लगे, मने डरे नाटन का लगे।
आखिर भगवान भगत का पाना कृष्ण मुरारी बहुत घना से शाना के जाना से घनिहान मैं कुल लाऊंगा घड़ी चार मने डर नटन का लगे मने डर नटन का लगे कुछ मदद प्राप्त करने की इच्छा से अपनी मिश्रानी के कहने सुनने और समझाने से सुदामा घर से चल देता है। चलती दफे मिश्रानी ने सुदामा के पल्ले में चावल बांध दिए क्योंकि और कुछ फल मिठाई आदि के लिए तो पैसे थे नहीं और सामाजिक तौर तरीके से कुछ न कुछ खाने की सामग्री का होना जरूरी भी था। अपने फटे पुराने वस्त्रों में टूटी जूतियों को पहने हुए लज्जा सी महसूस करते हुए डरता हुआ सा मंदी मंदी सी चाल से सुदामा कृष्ण के यहाँ पहुंच जाता है। डोडी पे संतरी ने रोक लिया, पूछा कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, किससे मिलना है। सुदामा ने अपना सारा परिचय दिया और कृष्ण जी यानी के अपने बचपन के मित्र से मिलने का मकसद बताया तो द्वारपाल को बड़ा ताज्जुब हुआ। कहने लगा कि अच्छा हे ब्राह्मण, आप यहीं बाहर ठहरो, मैं कृष्ण जी से पूछ कर आता हूं कि आपसे मिलना है या नहीं। तो डोडीवान कृष्ण जी से जाकर सुदामा के बारे में क्या कहता है। टूटे लितर फाटे कपड़े सुदामा नाम बतावे से गहरा भीतर आवण की कुछ लुकमा काम बतावे से लितर फाटे कपड़े सुदामा नाम बतावे से कहरा भीतर आवण की कुछ लुकमा काम बतावे से कुछ लितर फाटे वस्त्र सुदामा नाम बतावे से
ढंग से बात करे से अकल बंदी वो शाना से मने बुझी ते नू बोला मन किरसन धोर जाना से सुंदर चेहरा कोल रसिला मेला भेस पुराना से मस्तक ऊपर तिलक चढ़ा सही चमन के सबाना से मस्तक ऊपर तिलक चढ़ा सही चमन के सबाना से बालक पन की यारी सच्ची बालक पन की यारी सच्ची तने सुंदर शाम बता वैसे कुटिल सर पाजे वस्त्र सुदामा नाम बतावे से कहा बेतर आवन के कुल लखमा का बतावे से कुटिल सर पाजे वस्त्र नौजवान कहने लगा कृष्ण जी से कि भगवान वह गरीब ब्राह्मण सुदामा आपको अपना पाठशाला का मित्र बताता है और साथ साथ आपकी भूरी भूरी प्रशंसा भी कर रहा है और आग्रह करता है कि मैं कृष्ण जी के दर्शन जरूर करूंगा। और के बोला हाँ तुमने तीने तीन लोक का भगवान दत्ता सही बतावे से प्रजा पालक करता सीला दत्ता सही बतावे से भूमंडल में माया धर्म का खाता सही बतावे से अपना प्यारा राम भगत का नाता सही बतावे से अपना थारा राम भगत का नाता सही बतावे से न्यू बोल्या मैं तो तरस करूंगा न्यू बोल्या मैं तरस करूंगा हाँ सच्चा दाम बतावे से सर भाटे वस्त्र सुदामा नाम बतावे से कहरा बेतर आवन के कुल लुकमा काम बतावे से कुटिल सर भाटे वस्त्र जी मेरा प्यारा से हरे दरस बिन दरवाजे पे खड़ा खड़ा दुपारा से मने नजर से काट लिया तेरे दर्शन करना चारा से न्यू कह दियो के बाहर खड़ा वो भक्त सुदामारा से न्यू कह दियो के बाहर खड़ा हो सुदामा से बड़ी बड़ाई कर रहा से हाँ बड़ी बड़ाई कर रहा से तन कृष्ण राम बतावे से टूटेल सर भाटे वस्त्र सुदामा नाम बतावे चंदनू कहरा से हम कृष्ण के आधार हैं हृदय बीच समाए रहते करा रहो चाहे बार हैं ए
एक मिनट ना नारे पाते कर आपस में प्यार है, संग में खेले संग में खाए बालक पण के यार है, संग में खेले संग में खाए बालक पण के यार है, बालक पण से आज तलक का वैसे टुके लितर पाचे वस थर सुदामा नाम बतावे से केरा बिस्तर आवन के तुले लखमा काम बतावे से टुके लितर पाचे वस। कृष्ण जी ने जैसे ही द्वारपाल से सुदामा जी की बात सुनी तुरंत अपनी गद्दी छोड़कर दरबार से बाहर चले आए। और अपने मित्र से गोली भर के बड़े प्रेम से मुलाकात करी। दो मित्रों के प्यार का यह दृश्य देखकर दरबारी लोग चकित रह गए। परांत में कृष्ण जी ने पानी मंगवाया और स्वयं उनके पैर धोए। परसों पुराने बचपन के समय के एक के बाद एक सीन उनकी आंखों के सामने झूमने लगे। आनंद के अथाह सागर में दोनों मित्र खो गए। कैसे भला लाई कोन्या वार भाज के दरबारा ते बाहर भाज के आता देखा यार भाज के जट कोड़ी भरली लाई कोनवार भाज के दरबारा दरबार भाज के आता देखा यार भाज के जट कोड़ी भरली। प्यास लागगी दोनों ओढ़ते झाल जागगी तन में भीतर ली लाई को नवार भाज के कृष्ण इतने भाव विभोर हो गए कि उनको और किसी बात की सुध ही नहीं रही। कभी उनकी गोली भरते कभी उनकी गर्दन अपने कंधे पर रखते और कैसे कैसे भगवान अपने मित्र को प्यार कर रहे थे। भगवान हुआ दूसरे ढंग में खुशी हुई एक एक अंग अंग में पकवन हुआ दूसरे ढंग में खुशी हुई एक एक अंग अंग में खुशी रे हुई एक अंग अंग में उमंग में भर के सुदामा जी के जो गर्दा फिर के सुदामा जी के लाड करके सुदामा जी के नार खवे पे धरली लाई को नवार भाज के दरबारा दरबार भाज
का मिटा पर गया भाव प्रेम का बेटा कृष्ण देखो दुख का मिटा कृष्ण जी खुदे दुख का मिटा घने दिनों में दिना में भेजा साथी कृष्ण जी से आपका ही माती कने दिना में भेजा साथी कृष्ण जी से आप ही माती छाती से ती मिला के छाती सीड़क सी कर ली लाई को नवार बाद के दरबारा दरबार बात को ना खामी की कार दूर करी बदनामी की एक क्षण में अंतरयामी की जट सुरती फिर ली लाई को नवार बाज के कृष्ण जी ने सुदामा का भारी सत्कार किया और कई दिन तक अपने पास में रखा, उनको अच्छे वस्त्र पहनाए, उनकी खूब सेवा की। कुछ धन पैसा मांगने की बात सुदामा जी ने शर्मिंदगी के कारण नहीं कही और कृष्ण जी ने भी इस लेने देने के संबंध में कोई बात नहीं करी, क्योंकि वे तो अंतर्यामी थे, जानते थे कि सुदामा को क्या चाहिए और मुझे क्या देना चाहिए। भवन निर्माण कला यानी शिल्प कला में पारंगत देवता विश्वकर्मा बुलवाया, उसको कृष्ण जी ने आदेश दिया कि जाओ सुदामा के घर जाओ, वहीं उनका एक आलीशान महल बनवाओ। लेकिन इस बात का पता सुदामा जी को नहीं लगने दिया। और किस तरह का महल बनवाया, द्रविड़ देश में रहे सुदामा उस ब्राह्मण का सुनो बयान, जाके उसका महल बना दो जिसकी सबसे सुंदर शान। द्रविड़ देश में रहे सुदामा उस ब्राह्मण का सुनो बयान, जाके उसका महल बना दो जिसकी सबसे सुंदर शान। चार दीवारी चौकर दिन भीतर कमरे सारे हों, अलग अलग दरवाजे ला दो बैठक नोहरे नारे हों, रंग बिरंगी छात बना दो बीच में चांद सितारे हों, काले पीले रंग गुलाबी रंगा के चमकारे हों, इसा बना दे महल अनूठा देखन आवे जगत जहान, जाके उसका महल बना।
कई गलीचे सब कमरा में कई कई बिछना पिलंग निवार पितर बाहर संतरी पावे दरवाजे पे पेरेदार दरवाजे पे कऊ की मूरत दही काटता दिखेदार जड़ में मंदिर ठाकुर जी का ब्राह्मण रोज करें प्रचार चरणा व्रत बटे रोजाना चरणा व्रत बटे रोजाना भक्ता ने मिल जा भगवान जाके उसका महल बना दो जिसकी सबसे सुंदर शान जा दिल दहल सुदामा ब्राह्मण का ज्ञान रूप के साबन ते कटे मैल सुदामा ब्राह्मण का कोई बुझे ते बता दियो यो महल सुदामा ब्राह्मण का सुदामा जी का महल बना दे सुदामा जी का महल बना दे बगा दे टूटी छान जाके उसका महल बना दो जिसकी सबसे सुंदर छान तड़के समय रहे सुदामा उस ब्राह्मण का सुनो बयान जाके उसका महल बना दो जिसकी सबसे सुंदर छान कोठड़ी दन की नारी कपड़े उसके बेसुमार अलग रसोई रह रसोईया भोजन रोज करे तैयार जी बुरा के बरोच बच्चे सौदा लेना नहीं उधार तन माया का ओढ़ रहना जा नगरी का सरदार लक्ष्मी चंद के काम शुरू कर लक्ष्मी चंद के काम शुरू कर माया ले जा बे अनमान जाके उसका महल बना दे दिन तक रहते सहते सुदामा जी को अपने बच्चों का ख्याल आ गया और चलने की इजाजत मांगने लगे। वैसे भी वहां रहते रहते निराश हो गए थे क्योंकि खुद अपने मुंह से तो कुछ मांग नहीं पाए और कृष्ण जी ने भी इस संबंध में कोई बात नहीं चलाई। सुदामा के घर चलते समय कृष्ण जी ने ध्यान किया कि उनके पल्ले में कुछ बंधा है। कहने लगे, कृष्ण जी मित्र ये दिखाओ आपके पल्ले में क्या है। मेरी भाभी ने मेरे खाने के लिए क्या भेजा था। सुदामा ने सकुचा कर थोड़े से चावल कृष्ण जी को दे दिए जो उसे उसकी मिश्रानी ने कृष्ण जी के खाने के वास्ते दिए थे। कृष्ण जी ने चावलों के फंके मारने शुरू किए और जब दो फांके मार लिए तो उनकी पत्नी रुक्मन ने गुस्से में आकर उनका हाथ पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि एक फंका चावल खाने का अर्थ था सुदामा को एक लोक का स्वामी बना देना।
अतः दो फंकों में सुदामा को दो लोक का स्वामी बना दिया गया था। बस केवल एक लोक ही तो बचा था। रुक्मन कहने लगी कि नाथ, आप ये क्या कर रहे हैं? अपने लिए भी कुछ रखोगे या सब कुछ अपने दोस्त को ही लुटाओगे? और क्रोध में आकर रुक्मन कृष्ण जी में अनेक दोष निकालती हुई क्या कहने लगी। जो सबका पेट भर जाने तीर दिल तर सुन रखे तो मरद चल तर कर जाने या तो कुल की कोणे असल जो सबका पेट भर जाने या तो कुल की कोणे असल जो सबका पेट भर जन्म से देखूं सू तू दुखे बात सदा आकाश है कदे नाच दिखावे कदे मंगता बन जा तू बेला सदा आकाश है कदे चंदे बंधे मोर बने पिया तू बेता सदा आकाश है दूर दिन ते तने जानू सू तेरा छड़कारा सदा आकाश है कद जाके उल्टा आवे कोना जाके उल्टा आवे कोना कद डूबे से कद तिर जाने या तो कुल की कोने असल जो सबका पेट भर कदे शक बन जा तू कदे शक बन जा कदे मख बन जा पिया जात जमा तेरे कोना निराकार तू सब में रमता इंद्री का तेरे कोना बिरगुयाली झूठी बातया लगीला तेरे कोना कदे पेड़ में कदे फूल में ये डाली पा तेरे कोना कदे लड़े कदे भाज दिखा दे कदे लड़े कदे भाज दिखा दे हाँ भर ले कदे फिर जाने या तो कुल की कोने असल जो सबका पेट भरे सुदामा के किस्से का पहला भाग अब यहीं समाप्त होता है। आगे की रागनी आप दूसरी कैसेट में सुनेंगे।